वहीं रोहतास के खैरा डी के पास 5 फरवरी को बाइक और मोबाइल लूट मामले में पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए लूट की बाइक और मोबाइल को बरामद कर लिया है। वहीं सासाराम अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया था। कार्रवाई के दौरान लूटकांड में शामिल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, साथ ही लूट के सामान को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से हथियार भी जब्त किए हैं। 5 तारीख को रात्रि में लगभग 11:30 बजे 2 मोटरसाइकिल पर सवार 5 लोगों द्वारा एक मोटरसाइकिल जो सासाराम नगर से एक व्यक्ति वादी है इसमें कुश कुमार सिंह जो अपने गांव रूपीपुर जा रहे थे नोखा खरारी पुल के पास, इन लोगों द्वारा उनके मोटरसाइकिल और एक मोबाइल फ़ोन उनसे लूट लिया गया। इसी संदर्भ में नोखा थाना में FIR दर्ज करने के उपरांत छापेमारी की गई जिसमें 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके पास से लूटी हुई मोटरसाइकिल एवं फोन की बरामदगी हुई है। और एक व्यक्ति जिसका नाम है ऋषिकेश सिंह वो फसिल थाना क्षेत्र से चनपुरी 5 तारीख। वहीं बेतिया में अपराधियों का आतंक देखने को मिला, जहां प्रखंड के बगई चौक पर अपराधियों ने एक दुकानदार पर गोली चला दी। हालांकि इस फायरिंग में दुकानदार बाल बाल बच गया, परंतु दुकानदार ने लौरिया थाना में एक आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। अपने आवेदन में इमरान ने बताया कि दुकान बंद करने के दौरान बाइक पर 2 अपराधी आए और सामान की पूछताछ करने लगा। इतने में ही अपराधियों ने उन पर गोली चला दी। पुलिस अब मामले की तफ्तीश में जुट गई है। मुंगेर में ऐतिहासिक पोलो मैदान में प्रमंडल स्तरीय उद्यान मेला का आयोजन किया गया, जहां प्रमंडल के 6 जिलों के 500 से अधिक किसानों के को फूल से लेकर फल सब्जी और पौधों के उत्कृष्ट उत्पादनों को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया। मुंगेर जिला अंतर्गत किला परिसर के पोलो मैदान में उद्यान मेले का उद्घाटन मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त संजय कुमार ने दीप जलाकर किया। वहीं मौके पर संयुक्त उप निदेशक, जिला कृषि पदाधिकारी सहित कई अधिकारी और किसान बंधु मौजूद थे। खगड़िया डिस्ट्रिक्ट से मारार गाँव से शहद का काउंटर लगाया है। कैसे कैसे शहद बनता है आपको कहाँ पे? हम लोग जहाँ से बॉक्स मिलता है जीविका द्वारा मिला था उसी से पालन शुरू किए हैं और अभी अच्छा खासा उससे फायदा भी हो रहा है। शहद अभी कितना, मतलब एक साल में कितना शहद हो जाता है आपने? अभी एक साल में हम लोग को जो है ना 500 किलो तक उत्पादन किए हैं। क्या मार्केट मिल जाता है? हाँ, मार्केट मिल जाता है। क्या भाव शहद आता है अभी? तो उसका होलसेल में मार्केट में 150 रुपये तक जाता है। हाँ, बीच में तो कुछ कम था लेकिन अभी फिर तेजी आया है। कुछ बेनिफिट हो जाता है आप लोगों को? हाँ, बेनिफिट हो जाता है। महत्वपूर्ण ये है कि जो पूरे प्रमंडल में जो उत्पाद अलग अलग तरीके के उत्कृष्ट उत्पाद हैं उनकी ये प्रदर्शनी है और इसके माध्यम से सभी किसानों ने अपनी मेहनत को प्रदर्शित किया है। उन्होंने बताया है किस तरीके से लगन और मेहनत करके वो एक से एक उत्कृष्ट उत्पाद जो हम लोग सोच नहीं सकते और वो भी उन्होंने एक तरीके से अपने मेहनत से लगन से तैयार किया है, खेतों के माध्यम से पैदा किया है। ये हम लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है और न ही सिर्फ प्रेरणा स्रोत बल्कि सभी किसानों के लिए भी एक मुख्य रूप से ये बताता है कि वो अगर मेहनत करेंगे, इस तरीके का उत्पाद तैयार करेंगे तो उनके लिए बाजार सामने खड़ा है। हम लोग तो खगड़िया से। बाढ़ अनुमंडल के टॉप 10 अपराधियों में शामिल जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ जीतू सिंह को भदौर थाना अध्यक्ष रामानुज सिंह ने छापेमारी करते हुए उसके घर से गिरफ्तार कर लिया। SSP अपराजिता लोहान ने बताया कि जितेंद्र सिंह पर 7 कांड में गैर जमानती वारंट और 1 कांड में इश्तेहार जारी किया गया था। की सूची बनी थी उन टॉप 10 में से एक कुख्यात अपराधी है जिनका नाम है जितेंद्र सिंह उर्फ जीतू सिंह। इनके ऊपर आपराधिक इतिहास जो इनका निकाला गया तो इनके ऊपर 302, 307, 382, 384, 389 कई केस दर्ज हैं। टोटल बताएं तो 13 केस इनके ऊपर दर्ज हैं। अनुमंडल के भी ये टॉप 10 में थे। तो लगातार थाना अध्यक्ष भदौर के नेतृत्व में जब छापेमारी इनके ऊपर की गई
तो इनको कल पकड़ा गया है। कहां से अरेस्टिंग? ये 7 कांडों में पहले भी इनके ऊपर अजमानती वारंट थे और एक कांड में इनके ऊपर इश्तिहार भी निर्गत है। ये इनके घर से ही खजुरार के।